नमस्कार, मैं हूं आंचल गौट और आप देख रहे हैं नवराष्ट्र भारत। और आइए फिर ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सर, बिजनौर जिला अस्पताल में ये वेंटिलेटर जो बेड आए थे वो कब आए थे और कितने आए थे? वेंटिलेटर हमारे पास गत वर्ष आए थे, 24 वेंटिलेटर उपलब्ध हुए थे हमें जी। और अब मतलब कितने जिला अस्पताल में यहाँ पे इस टाइम मौजूद है? 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। उन 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं। सर, उन्हें ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है, कोई टीम है या कैसे? ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। और अभी सीएमओ साहब ने कुछ व्यवस्था की है, डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ हैं जो चेस्ट फिजिशियन हैं, उनको यहाँ पे लगाया है, वो शायद हमारी हेल्प करेंगे कुछ। सर, अभी जिले में मतलब मुख्यालय पे 14 बेड हैं, उसमें से कितने उपयोग? 14 नहीं, 10 वेंटिलेटर बेड हैं। 10 में से कितने उपयोग में लिए जा रहे हैं? वेंटिलेटर तो कोई उपयोग में नहीं ले जा रहा, क्योंकि अभी जो टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाए। तो अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टीम नहीं है। नहीं है।